गांव के बच्चे पिज्जा खा रहे थे। आज किसका बर्थडे है जो पिज्जा खा रहे हो? आज रोहन का बर्थडे है, वो हर बर्थडे में सबको पिज्जा खिलाता है। पिज्जा खाकर संतोष खुश हो जाता है। ये पिज्जा बहुत ही मजेदार लग रही है, इसे खाकर दिल खुश हो गया। तभी उसी रास्ते से मनोज अपने सांप को लेकर जा रहा था। ये देखो मनोज को कैसे मुंह छिपाकर भाग रहा है। रोहन वो गरीब है, उसे मत चिढ़ाए कर। वो गरीब नहीं है, बहुत चालू है। अभी उसे पिज्जा के लिए बोलूंगा तो कैसे भागते हुए आएगा। ये मनोज पिज्जा खाएगा? रोहन की बातें सुनकर सांप गुस्सा हो जाता है। ये रोहन चुप हो जा, बहुत हो गया मेरे दोस्त की बेइज्जती। आगे से कुछ कहा तो तुझे इसी जगह पर अभी डस लूंगा। मनोज और सांप वहां से भाग जाते हैं। उस सांप को देखकर मेरी जान ही निकल गई थी। अगले दिन मनोज अपने सांप के साथ खेल रहा था, तभी रोहन अपने दोस्तों के साथ आता है। मनोज हमें माफ कर दो। हाँ मैं सबको माफ किया, कल रेस होने वाली है, जो भी रेस में जीतेगा उसे बहुत बड़ा पिज्जा और 5,000 रुपए मिलेंगे। मुझे पता है, उसी की प्रैक्टिस कर रहा था, साथ में प्रैक्टिस करते हैं, कौन तेज भागता है पता चल जाएगा। मनोज और रोहन रेस करते हैं, देखते ही देखते मनोज रेस जीत जाता है। तुम तो मुझसे ही तेज भागते हो, लगता है कल की रेस तुम ही जीतने वाले हो। रोहन नाराज होकर वहां से भाग जाता है। मनोज का कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो मैं कल का रेस हार जाऊंगा। मनोज घर के बाहर सो रहा था, ये सही वक्त है, उसके पैर में बड़ा पत्थर फेंक देता हूँ, जिसके बाद वो कभी दौड़ नहीं सकता। रोहन मनोज के पैर में बड़ा पत्थर फेंक कर वहां से भाग जाता है। ये सब सांप देख लेता है। तुमने मेरे दोस्त का पैर तोड़ा है, कल तुम्हें देख लूंगा। मनोज टूटे हुए पैर को लेकर खड़ा हुआ था, तभी रोहन आता है। अरे मनोज तेरा पैर को क्या हुआ, किसने तोड़ दिया? रोहन ये तेरा काम है, तुमने मेरा पैर तोड़ा है। रेस के लिए सभी तैयार थे, तभी सांप रेस के लिए आता है। मैं मनोज के लिए रेस करना चाहता हूँ। ठीक है तुम रेस कर सकते हो। रेस होती है, देखते ही देखते सांप रेस जीत जाता है। ये रोहन मुझसे बच कर रहना, मेरे दोस्त का बदला अभी बाकी है, कभी भी तुम्हें डस सकता हूँ। रोहन नाराज होकर वहां से चला जाता है।